जय हिंद साथियों। हमने कल वायु परिवहन के बारे में पढ़ा था, उससे पहले सड़क परिवहन की चर्चा की थी। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 से हुई थी, यानी से इलाहाबाद के बीच हुई थी भारत में। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले कब आई थी भारत में, कहाँ चली थी, और अभी जो जोन कितने हैं, जो अभी 18 जोन है, पहले 17 जोन थे, 18वां जोन कौन सा है, फिर पढ़ेंगे हम कोंकण रेलवे पढ़ेंगे, मेट्रो रेलवे पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे किसके बारे में। तो हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। रेल परिवहन, रेल परिवहन में एक समिति थी, समिति के बारे में पूछा था कि एक बार समिति किससे संबंधित थे, कब आई थी, इसे पूछा था। फिर एक समिति आई थी देवराय समिति। तो रेल परिवहन देख रहे थे हम। तो रेल परिवहन कभी विश्व की बात करें तो सबसे पहली बार कहाँ चल रही थी, ब्रिटेन में चल रही थी। कब? 1825 में हुई थी। कब हुई थी? यदि विश्व की बात करें, सबसे पहले रेल परिवहन रेल कहाँ चली थी, तो सबसे पहली बार विश्व में बात करें हम तो कहाँ चल रही थी, कब चल रही थी पहली बार, 1825 में चल रही थी। कभी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में कहाँ पे चली थी, तो 1825 में कहाँ चली थी, ब्रिटेन में। ठीक है, यदि भारत की बात करें, भारत में रेल कब चालू हुई थी, कहाँ पे भारत में कब चालू हुई थी, तो भारत में चालू हुई थी सबसे पहली बार भारत में चालू हुई थी, कभी रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ 1853 में चालू हुई थी हमारे यहाँ भारत में। कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच चालू हुई थी, काफी बार क्वेश्चन पूछा था भारत में रेल परिवहन कब आया था, तो रेल परिवहन 1853 में चला था। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच चला हुआ था, मुंबई से ठाणे के बीच चला था। ठीक है, कितने किलोमीटर चल रहा था, 34 किलोमीटर चल रहा था। तो पहली बार इंडिया में कब, 1853 में। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच, और कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी। यदि पूछे कि हमारे भारत में रेलवे के जो जनक किसे कहा जाता है, जो रेल आने का वो काम किसका है, तो लाल लाला जी है। तो हमारे रेल के जनक माने जाते हैं हम, जो रेल विभाग के जनक, रेल आने का काम किसने किया था, उसके कारण उसको जनक या पिता कहा जाता है, तो लाल लाला जी को सराहा जाता है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी हो जाता है सर। इन्हीं के समय काल में हमारे यहाँ भारत में ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, 1853 में। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक बार तो समिति किससे संबंधित है। ठीक है, यदि रेल बोर्ड है समझता हूँ, रेल बोर्ड, यदि रेल बोर्ड है बोलते हैं, रेल बोर्ड कब स्थापना हुई थी भारत में, इसके बाद हम समितियाँ देखेंगे। तो रेल बोर्ड बोले तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, रेल बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी। यदि बोलते कि हमारे रेल जो रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1952-53 में हुई थी, 1952-53 में राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारे रेल विभाग का। ठीक है, अब हम बात करेंगे समितियां, कुछ समितियां हैं। तो एक समिति हमारे यहाँ एकवर्त समिति, कौन सी समिति है, एकवर्त समिति। तो एक बार तो समिति कब आई थी, 1924-25 में आई थी। क्वेश्चन पूछता है एक बार तो समिति किससे संबंधित था, रेल विभाग से संबंधित, कौन से, 1924-25 में ये क्वेश्चन पूछा था कि एक बार तो समिति कब आई थी, तो 1924-25 के बीच में आई थी, कौन से, एक बार तो समिति, ये एक बार तो समिति। ये समिति ऐसी थी जिसमें आम बजट और रेलवे बजट को अलग किया गया था, किसमें, आम बजट और रेलवे बजट को अलग किया गया था इसमें, किसको, आम बजट, जो बजट आता हमारा, आम बजट और रेल बजट को अलग किया गया था।
को अलग किया गया था, ठीक है, पहले साथ में था। तो ये समिति बनी थी 1824 से 25 में आई थी। तो उन्होंने क्या करा था, आम बजट और रेल बजट को अलग कर दिया गया था। कौन सी समिति, एक वर्ष समिति, काफी पूछता है ये क्वेश्चन, एक वर्ष समिति किससे संबंधित थी, तो बजट से आम बजट और रेल बजट को अलग किया था, ठीक है। अब 2017 में एक बिल पारित हुआ था, उसमें जो आम बजट और रेल बजट था उनको एक साथ कर दिया गया था, तो वो समिति कौन सी है। तभी जो कभी क्वेश्चन पूछे कब, जून के टाइम था, 2017 में एक समिति आई थी, विवेक देवराय समिति। कौन सी है, विवेक देवराय समिति। इस समिति के तहत क्या किया गया था, जो आम बजट और रेल बजट अलग अलग थे उनको एक साथ किया गया। क्या किया गया, रेल बजट और आम बजट को साथ में किया गया। पहले क्या करा, एक वर्ष समिति, कोई पूछ सकता कि विवेक देवराय समिति किससे संबंधित है, तो आम बजट और रेल बजट को एक साथ किया गया। क्या कह रहे हैं, उसमें मिला लिया गया, विलय किया गया, आम बजट और रेल बजट, बजट को विलय किया गया। ये समिति पूछता है विवेक देवराय समिति किससे संबंधित है, क्वेश्चन एक बार ये पूछा था, एक बार तो समिति किससे संबंधित है, तभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है विवेक देवराय समिति किससे संबंधित है, कब आई थी सन में पूछ सकता है, एक बार सन पूछा था तो शायद ये भी पूछ सकता है कि 2017 में आई थी, जून 2017 में, ठीक है। ये रेल परिवहन है। अब हम रेल परिवहन में देखेंगे, जैसे तो ब्रांड गेज वगैरह पढ़ना है, तो इससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हम किसके किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम जोन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत कितने जोन है रेल विभाग में, किसके जोन, तो भारत में कुल कितने जोन है, 18 जोन है, कितने हैं, 18 जोन है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेट्रो, ठीक है। तो हम जोन के बाद चर्चा करेंगे कि भारत में कितने जोन है, 18 जोन है, 18वां जोन हमारा जो दक्षिण तटीय जोन है, जो इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो हम जोन के बारे में देखेंगे जोन कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, ठीक। तो ये दिशाओं के आधार पर हमारे यहाँ भारत में जो जोन है रेलवे जोन है उनको दिशाओं के आधार पर बांटा गया था, किसके आधार पर, दिशाओं के आधार पर बांटा गया था, तो पूर्व, ठीक है, ये पूर्व वाला, पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण, दक्षिण और ये उत्तर। तो पूर्व में कौन सा जोन था, दिशाओं का आधार बांटा, तो पूर्व में जोन कौन सा था, कलकत्ता जोन था, या कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता बोलते हैं, ठीक है, कलकत्ता जोन था। पश्चिम में कौन सा जोन था, तो पश्चिम में मुंबई जोन था। दक्षिण में कौन सा जोन था, तो चेन्नई जोन था। उत्तर में कौन सा जोन था, तो यहाँ दिल्ली जोन था, कौन से, दिल्ली था। ये दिशाओं के आधार बांटा गया था। फिर और जोनों का विकास हुआ, विकास होने का आधार पर इन बीच में से बांटते हैं, तो ये कौन सा जोन हो गया, उत्तर पूर्वी जोन, कौन सा है, उत्तर पूर्वी जोन, उत्तर, उत्तर पूर्वी जोन या पूर्वोत्तर जोन, क्या बोलेंगे उसको, पूर्वोत्तर जोन, पूर्वोत्तर जोन
दिल्ली जोन, कोलकाता जोन, चेन्नई जोन, मुंबई जोन, ठीक है ये जोन है सब, पूर्वोत्तर जोन यहाँ पे बात करेंगे, पश्चिम उत्तर पश्चिम पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम जोन, उत्तर पश्चिम जोन यहाँ बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम जोन, दक्षिण पश्चिम जोन यहाँ बात करेंगे, दक्षिण पूर्व जोन, दक्षिण पूर्वी जोन। तो आप देखते हैं जोन कौन कौन से यहाँ पे, यहाँ पे किसका जोन, जोन कहाँ पे है, पूर्वोत्तर विभाग में, ठीक है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व तो जो कलकत्ता है उसी का भाग बना था, यहाँ पे कौन कौन सा जोन है, कलकत्ता जोन है, दक्षिण पूर्वी जोन, ये कौन सा जोन है, कलकत्ता जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम जोन कौन सा है, तो जयपुर है, क्या है, जयपुर आता नहीं है तो जयपुर को बनाया गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर जोन कौन सा है, तो गोरखपुर है, कौन सा है, गोरखपुर है, पूर्वोत्तर कौन सा जोन है, गोरखपुर, गोरखपुर है जिसको पूर्वोत्तर जोन बनाया गया था। ये दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है, तो चल दक्षिण पश्चिम कौन सा जोन है, तो हुगली, कौन सा है, हुगली जोन, कहाँ ये, कर्नाटक में। ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, कैसा है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, पहले कौन सा था, गोरखपुर जोन था, कौन सा था, गोरखपुर था, और गोरखपुर से नाम उसके इसकी साइज बढ़ गई है, तो कौन सा हो गया, हुगली, जो कहाँ पे, कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। अब ये कितने जोन हो गए, चार दो नहीं आठ जोन हो गए, कितने टोटल कितने हमारे यहाँ जोन है, 18 जोन है। फिर और आगे विकास हुआ तो जो सिटी लाइन में था उनमें इनके बीच में जो इनके कार्य को कम करने के लिए बीच में उनके जोन बनाए गए, ठीक है, तो बीच में यहाँ बने, ये जोन बने बीच में जो सीधे में थे, ठीक है। और ये बीच में भी तो रहेगा कौन सा जोन, तो बीच में सेंटर में मध्य जोन है, कौन सा है, मध्य जोन है, कौन सा है, मध्य जोन, ठीक है। तो यह कौन सा है, मध्य रेलवे जोन, कौन सा है, मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, कौन, यह हेडक्वार्टर किसका है यहाँ पर, तो मुंबई में है, कहाँ पे, ये मुंबई है, ठीक है। तो कितने हो गए, चार, चार दुनिया आठ और नौ हो गए, ठीक है। अब ये मध्य रेलवे जोन है तो उत्तर और मध्य के बीच काम करेगा, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन, कौन सा होगा, ये उत्तर मध्य रेलवे जोन, कौन सा हो गया, उत्तर मध्य रेलवे जोन, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन कौन सा हो गया, ये तो यहाँ पे प्रयागराज में, कौन सा है, प्रयागराज, कौन सा जोन है, उत्तर मध्य रेलवे जोन, ठीक है। अब ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, कौन सा है, पश्चिम, क्योंकि मध्य में है और पश्चिम का दोनों के बीच कार्य करता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन काफी दूर हो जाता है, तो इस जोन के और इस जोन के बीच के मध्य का एक जोन बनाया गया था, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, कौन सा बना, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का, तो यह जबलपुर में है, कहाँ पे है, जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज यूपी में पड़ता है, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे मध्य पूर्वी रेलवे जोन या पूर्व मध्य रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे जोन, ठीक है, मैं पुराने लिखूंगा, पूर्व मध्य रेलवे जोन, ये कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, रायपुर में, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ है मध्य
रेलवे जोन और दक्षिण जो जोन के बीच में है, तो यहाँ पे है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये सिकंदराबाद में है, तेलंगाना में पड़ेगा। कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ेगा। कहाँ पे है? तेलंगाना। ठीक है, कितने हो गए हमारे? तो चार ये हो गए, चार दुने आठ और आठ दुने 16 और 17 हो गए हैं। ये जोन इनके बीच बीच बने हुए हैं। कौन कौन से हैं एक बार रिवीजन करते हैं। पूर्वी जोन हमारा कौन कौन सा है? कोलकाता जोन है। पश्चिम में हमारा मुंबई जोन है। दक्षिण में हमारा चेन्नई जोन है। और उत्तर में हमारा दिल्ली जोन है। फिर उत्तर पूर्वी में जयपुर जोन है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी, तो जयपुर जोन है। यदि पूर्वोत्तर जोन बोलते गोरखपुर है, ठीक। उसी प्रकार ये दक्षिण पश्चिम जोन बोलते हुगली है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। हुगली अलग है और हुगली अलग है, ठीक है। फिर उसी प्रकार पूर्व मध्यम मध्य रेलवे जोन कौन सा है? तो मुंबई है। यदि पूर्व मध्य रेलवे जोन बोले तो यहाँ पे चाहे रायपुर है या बिलासपुर, यदि बिलासपुर भी कर सकते हैं। कौन सा है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पड़ता है बिलासपुर। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार यहाँ मध्यम दक्षिण मध्य रेलवे जोन कहाँ पे? सिकंदराबाद में, तेलंगाना में पड़ता है। ये मध्य पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो जबलपुर है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर उत्तर मध्य रेलवे जोन जो प्रयागराज में है, कहाँ पे? प्रयागराज में, जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है, अब क्या हुआ, इनके बीच में ना होने कारण एक जोन ऐसा पूर्वोत्तर तटीय जोन बना। कौन सा बना? पूर्व तटीय जोन बना। फिर एक दक्षिण तटीय जोन बना। क्योंकि जैसे जैसे जोनों का विकास होता गया, वैसे वैसे जोन जोन बढ़ते गए, तो यहाँ कौन सा बना? पूर्व तटीय जोन। यह कौन सा जोन था? पूर्वी तटीय जोन। पूर्वी तटीय जोन, ठीक है। फिर यहाँ पे बना दक्षिण तटीय जोन। दक्षिण तटीय जोन। फिर ये था पूर्वी, फिर एक सेकंड, ये है सॉरी थोड़ा, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन आता है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हाजीपुर आएगा। क्या आएगा? हाजीपुर। क्या है? हाजीपुर, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में, ठीक है। ये किनके बीच था? सीधी दिशाओं के बीच था। एकमात्र ऐसा है जो तिरछी दिशाओं में बना हुआ है, तो तिरछी दिशाओं में बना हुआ है, तो ये यहाँ पे है बीच में बना हुआ है। तो कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन यहाँ पे बना हुआ है, एकमात्र तिरछी लाइन में तिरछी दिशा में बना हुआ है। कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन, क्योंकि दक्षिण में स्थित है इस कारण से। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ये है बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ये वाले हाजीपुर में पड़ेगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन बिहार में स्थित है, ठीक है। ये है पूर्वीय तटीय सीमांत जोन। कौन सा है? पूर्वीय तटीय सॉरी पूर्वीय सीमांत जोन। सीमांत जोन तो कहाँ पे? ये मालेगांव में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मालेगांव। मालेगांव में पड़ेगा। कहाँ पे है ये? असम गुवाहाटी में। गुवाहाटी में पड़ेगा। फिर ये है पूर्व तटीय जोन। कौन सा है? पूर्वीय तटीय जोन। कौन सा है? पूर्व तटीय जोन। ये कहाँ पड़ेगा? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है।
तो चार, चार दुनिया आठ, चार तीन बारह, नौ तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सोलह, सोलह और ये सत्रहवा, ये अठारहवा दक्षिण तटीय जोन, ये अठारहवा जोन, ठीक है। कौन सा दक्षिण तटीय जोन, ये कहाँ पे है? ये है विशाखापट्टनम में पड़ता है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में पड़ेगा। ये नवीन जोन है, तो सत्रहवा जोन कौन सा है? पूर्वी तटीय जोन, भुवनेश्वर उड़ीसा वाला है। सत्रहवा, सोलहवा जोन कौन सा है? तो पूर्वी सीमांत जोन है, जो मालेगांव गुवाहाटी में पड़ता है। अठारहवा जोन बनता, नवीन जोन कौन सा है? ये नवीन जोन है, कैसा है? नवीन जोन है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो दक्षिण तटीय जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय जोन अठारहवा है, जो विशाखापट्टनम में पड़ता है। ये हमारे जोन हो गए हैं, जो कार्य, मतलब जोनों की जो कार्य को क्षमता को कम करने के लिए विकास किया जाता है, क्योंकि जो मुंबई, जो मध्य रेलवे जोन है और जो दक्षिण तटीय जोन है या फिर कोई सा भी उत्तर जोन है, तो काफी लंबाई दूर होने के कारण उनके बीच छोटे छोटे जोन बनाए गए ताकि वो संभाला जा सकता है, ठीक है। यदि बात करें, ये तो हमारे जोन हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कोंकण रेलवे के बारे में, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मध्य रेलवे जोन कहाँ पे है? मुंबई में पड़ेगा। यदि पूर्व में बोले थे कोलकाता, कोलकाता जोन रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता रेलवे जोन पूर्व में पड़ता है। यदि पश्चिम में बात करें तो मुंबई रेलवे जोन मुंबई में पड़ता है, पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है। कौन सा पड़ेगा? पूर्वी जोन कौन सा है? कोलकाता पड़ेगा। कौन सा है? पश्चिमी जोन, ठीक है। क्या बात करेंगे? पश्चिमी जोन, पश्चिमी जोन ऐसा है। तो पश्चिमी जोन कहाँ है? मुंबई में है। यदि पूर्वी जोन कौन सा है? तो कोलकाता। क्या आएगा ये? पूर्वी जोन कहाँ पे है? कोलकाता में पड़ेगा। दक्षिण जोन कौन कहाँ पे है? तो ये दक्षिण जोन चेन्नई में है। दक्षिण जोन पड़ेगा कहाँ पे? चेन्नई में पड़ेगा। उत्तरी जोन कहाँ है? उत्तरी जोन तो ये कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में पड़ेगा। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम जोन कौन सा है? दक्षिण पश्चिम जोन, दक्षिण पश्चिम जोन जयपुर में पड़ेगा, ये राजस्थान में आएगा। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम जोन, ये क्या है? दक्षिण पश्चिम जोन कहाँ पे? हुगली में पड़ेगा, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। पहले गोरखपुर पड़ता था, अभी हुगली है, जो कर्नाटक में पड़ता है। उसी प्रकार पूर्वोत्तर जोन कौन सा है? तो गोरखपुर है, यूपी में पड़ेगा। फिर इसे देखते हैं दक्षिण पूर्वी जोन कौन सा है? तो कलकत्ता है। कौन सा है? कलकत्ता है। अब बीच में बात करते हैं, तो मध्य में रेलवे है और उत्तर उत्तरी जोन है, तो कौन सा जोन है? उत्तर मध्य रेलवे जोन कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में, ठीक है। फिर यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर, जो बिहार में पड़ेगा। इसी प्रकार मध्य, सॉरी पश्चिम मध्य रेलवे जोन है ना, रेलवे जोन कहाँ है? जयपुर, जबलपुर में है, तो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब तिरछी दिशा में बात करते, एक ही है, कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन, जो बिलासपुर में है, कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व सीमांत जोन कहाँ पड़ेगा? मालेगांव। कहाँ है? मालेगांव। कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। कौन से नंबर का था? सोलहवें नंबर का। सत्रहवें नंबर का था पूर्वी तटीय जोन, कहाँ पड़ेगा? तो भुवनेश्वर में पड़ेगा। स्थित कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। फिर देखते हैं लास्ट वाला अठारहवां नवीन जोन, कैसा है? ये नवीनतम जोन, नवीन जोन है। कौन सा है? विशाखापट्टनम जोन है। कौन सा है? दक्षिण तटीय जोन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये हमारे जोन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कोंकण रेलवे के जोन के बारे, कोंकण रेलवे के बारे में बात करेंगे, जो चार राज्यों का संयुक्त है, जिसमें रेल विभाग का 51% शेयर है, बाकी राज्यों का शेयर है, ठीक है। हम आप बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, आप हम बात करें अभी कोंकण रेलवे ट्रेन, हमारे जोन हो गए हैं 18 जोन है हमारे, नवीन जोन विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय जोन है। अब बात करेंगे हम
कोकण रेलवे की, इसके कोकण रेलवे की। तो कोकण रेलवे कहाँ से कहाँ चली थी, ठीक है, कोकण रेलवे कहाँ से कहाँ चली थी इसकी बात करें तो कोकण रेलवे जो महाराष्ट्र के रोहा से चली थी, रोहा से जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है और केरल के, केरल के मणगांव तक पड़ी चली थी, ठीक है, कहाँ पे, केरल, कहाँ स्थित थी, केरल की स्थिति, ठीक है, कहाँ से कहाँ बीच चली थी, तो रोहा महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक और सॉरी केरल के बीच मणगांव तक चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, 760 किलोमीटर चली थी, ये लाइन है कोकण रेलवे, कितनी है, 760 किलोमीटर है वो फैली हुई है, कहाँ से चल रही थी, तो राहौ से, रोहा से मणगांव तक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर ये मुंबई में ही है, ठीक है। अब कोकण रेलवे की बात करें, जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा पश्चिमी जो है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी है और ये पूर्वी है, पश्चिम पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, यह पर्वत होने, ठीक है, तीन के बीच में जब मुंबई से ट्रेन चलाई गई, ये कोकण रेलवे बिछाई गई, ठीक है, तो यहाँ बीच में तो लाइन बिछाई गई थी, यहाँ पे कहाँ से, महाराष्ट्र से केरल के बीच, केरल तक, कौन सी, कोकण रेलवे, क्योंकि ये महाराष्ट्र वाला जो एरिया आता है, जो तटीय क्षेत्र, उसको कोकण के, कोकण तट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोकण तट बोलते हैं, इसी के आधार पर उसका नाम कोकण तट रेलवे पड़ा, ठीक है, तो कहाँ से, महाराष्ट्र से केरल तक पड़ा, ठीक है, जिसमें जो भारतीय रेलवे है, कौन सा, भारतीय रेलवे का शेयर, भारतीय रेलवे का जो शेयर है 51% है, कितना है, 51% है, और शेष चार राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, तो चार राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, गोवा और केरल, ये चार राज्य हैं जो संयुक्त रूप से शामिल है, कौन कौन से, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है, ये चार राज्य हैं जो इनमें सहयोग है, बाकी रेलवे जो जो रेल विभाग है भारतीय रेलवे का 51% शेयर लगे हुए हैं, इसमें कोकण रेलवे है, ठीक है, यदि इसका विकास देखें तो 1998 में हुआ था, कब हुआ था, 1998 से हुआ, ठीक है, कोकण रेलवे कहाँ से कहाँ चले थे, रोहा मणगांव केरल तक स्थित है, इसमें भारतीय रेलवे का तो शेयर 51% है, शेष चार राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, कौन कौन से, यदि पूछता है कोकण रेलवे कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक और केरल, चार राज्यों में फैला हुआ है। अभी देखे निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है, तो तीन राज्यों में निर्माण हुआ है, निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है, तो तीन राज्यों में हुआ है अभी तक, कहाँ कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हो चुका है, गोवा में हो चुका है और कर्नाटक में हो चुका है, केरल में अभी निर्माण नहीं हुआ है, कहाँ पे है, केरल में निर्माण नहीं हुआ अभी, अभी केरल में निर्माण होना शेष है, ठीक है, तो इन तीन राज्यों में निर्माण हो चुका है कोकण रेलवे का और केरल में बाकी, अभी कहाँ पे, जो केरल है वहाँ अभी शेष है, अभी निर्माण निर्माण नहीं हुआ। यदि इनका निर्माण करने वाला कौन व्यक्ति है, तो श्रीधर है, कौन है, श्रीधर इंजीनियर है हमारे, इंजीनियर है श्रीधर, श्रीधरन है, क्या है, श्रीधरन है, जिनके रिटायरमेंट के बाद में अभी इसका निर्माण नहीं किया गया अभी, ठीक है, कौन सा है, कोकण रेलवे जोन,
ठीक है, ये हमारा कोंकण रेलवे जोन हो गया। परिचालन कब हुआ था? तो परिचालन हुआ था 1998 में। ठीक है, परिचालन कब हुआ था? 1998। कितने राज्यों में? चार राज्यों में। अब हम बात करेंगे कोलकाता मेट्रो। किसकी बात करेंगे? कोलकाता मेट्रो की, जो भूमिगत था उसकी बात करेंगे। कोलकाता मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो जो भूमिगत था, कौन सा है? कलकत्ता मेट्रो कहाँ से कहाँ था? सबसे पहली बार शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के दमदम से। ठीक है, दमदम से कहाँ तक कहाँ चली थी? टालीगंज तक। टालीगंज के बीच सबसे पहली बार कलकत्ता मेट्रो ट्रेन चली थी। ये भारतीय, भारत सरकार की ही है, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे की मेट्रो ट्रेन है। क्या है? भारतीय ट्रेन की मेट्रो ट्रेन, मतलब इसमें पूरा शेयर किसका है? भारत रेलवे, रेलवे विभाग का ही है, ना कि यहाँ कोई निगम काम करता है, ना कोई राज्य। इसमें किसके किसने विकास किया था? तो खुद भारतीय रेलवे विभाग ने किया था, खुद की मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो दमदम से टालीगंज पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई। कब हुई थी इसकी सब शुरुआत? कब हुई थी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी 1984 में हुई थी। लेकिन इसमें परिचालन कब हुआ था? 1995 में। कब? 1995 में परिचालन हुआ था। बाद में इसको क्या कहा है? जोन के रूप में घोषित किया गया। कौन सा जोन घोषित हुआ? तो 16वां जोन घोषित किया गया। कौन सा? कलकत्ता मेट्रो जोन। ठीक है, क्या घोषित किया गया इसको जोन के रूप में? कौन सा? 16वां जोन घोषित किया गया। ये है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, दमदम से टालीगंज के भी चला था। उसी प्रकार भारतीय रेलवे जोन का मेट्रो ट्रेन है ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1984 में। परिचालन कब हुआ था? 1995 में। फिर उसको क्या घोषित किया गया? तो इसको जोन के रूप में घोषित किया है। कौन सा जोन था? तो 16वां जोन। अब देखते हैं हम दिल्ली मेट्रो ट्रेन। कौन सा है? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली मेट्रो। इसमें है भारत सरकार और निजी कंपनियों निगम द्वारा स्थापित किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ कहाँ से कहाँ बीच चली थी? तो ये चली हुई थी हाजीपुर से दशहरा तक। 15 मिनट का। तो दिल्ली मेट्रो जिसका विकास कौन करता है? निगम द्वारा होता है। निगम मतलब द्वारा संचालित होता है, मतलब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। तो कौन, यदि पूछता है कौन इसका संचालन कर रहा है, तो जापान की कंपनी है और कोरिया की कंपनी इसको संचालित कर बना रही है। इसमें रेल विभाग द्वारा इसमें पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो जापान की कंपनियां हैं और कोरिया की कंपनियां हैं। कब इसकी शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो 2002 में बनी थी। दिसंबर 2002 में इसका विकास हुआ। कब? 2002 में। कब? 2002 में दिल्ली मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चलने हुई थी 30 हाजिर से सहद्रा तक। 30 हजारी से या हजरा, 30 हजरा से सहद्रा के बीच चली थी। कौन सी? दिल्ली मेट्रो ट्रेन।
जिसे निगम द्वारा संचालित किया जाता है। निगम मतलब प्राइवेटाइजेशन। कौन कौन सी जापान की कंपनियां और कोरिया की कंपनी इसको संचालित कर रही। कब स्थापना हुई थी? 2002 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? 30,000 और सहाद्रा तक। इसी प्रकार मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन चलती है, वो भी एक प्राइवेट निगम द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। उसको अम्मा क्या बोलते हैं? अम्मा। जैसे एक और कौन सा है मेट्रो? बेंगलुरु, बेंगलुरु मेट्रो है। इसको किस नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन। तो इसको जाना जाता है अम्मा नन्ना 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 मेट्रो ट्रेन के नाम से जाना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 से हुई थी। कब हुई थी? 2011 से हुई थी। कौन संचालन करता है? तो प्राइवेट कंपनियां करती है इसको भी संचालन, निगम द्वारा संचालित होती है या जापान की कंपनियां इसको संचालित करती है। किसको द्वारा? जापान की कंपनियां द्वारा संचालित। कौन सी? बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन, ठीक है। अब मुंबई मेट्रो ट्रेन जिसकी 2014 में शुरुआत हुई थी, एक कौन सी है? मुंबई में मुंबई कौन सी है? एक मुंबई मुंबई मेट्रो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसका निगमन कौन करता है? इसका निगमन भी कौन करता है? तो प्राइवेट कंपनियां ही करती है, संचालन निगमन द्वारा होते हैं, ठीक है। ये हमारे रेल विभाग था, मेट्रो विभाग था, मेट्रो वाला। अब हम बात करेंगे कौन सी ट्रेन बड़ी लंबी है, तेज गति से कौन सी चलने वाली है। मेट्रो रेल विभाग ट्रेन विभाग कौन कौन से कहाँ लाइन है इसकी बात करेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।